दोस्तों, ब्लैक थ्रिप्स के ऊपर कई दिन से देख रहे हैं बहुत ही ज्यादा कमेंट आ रहा है, तो हमने सोचा ब्लैक थ्रिप्स के ऊपर फिर से एक वीडियो बनाया जाए। तो ब्लैक थ्रिप्स एक बहुत ही खतरनाक आजकल के जमाने में देखने को मिल रहा है, ज्यादातर मिर्च और शिमला मिर्च के फसल में, और इसको कंट्रोल करना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जा रहा है किसान भाई का, तभी तो ज्यादा कॉमेंट आ रहा है। तो आज हम इस वीडियो में ब्लैक थ्रिप्स के ऊपर ए टू जेड जानकारी तो शेयर करेंगे, और उसके साथ साथ पांच ऐसा आप लोगों को दवा बताएंगे जिस दवा को अगर आप लोग छिड़काव करते हैं तो हम यहाँ पर गारंटी के साथ बता रहे हैं कि ब्लैक थ्रिप्स को बहुत ही शानदार तरीके से ये कंट्रोल कर देगा। तो चलिए बिना किसी देर करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्लैक थ्रिप्स क्या होता है। ब्लैक थ्रिप्स एक सकिंग पेस्ट है, यानी कि बहुत ही खतरनाक एक रस चूसक कीट है, और ब्लैक थ्रिप्स दुनिया भर में लगभग 5000 से ज्यादा प्रजातियां हैं। उसमें से सबसे ज्यादा येलो थ्रिप्स, व्हाइट थ्रिप्स, और उसके साथ साथ आजकल ब्लैक थ्रिप्स का प्रकोप सबसे ज्यादा प्रकोप हो रहा है। तो ब्लैक थ्रिप्स एक ऐसा खतरनाक कीट है जो कि नॉर्मली हम लोग जैसे कोई भी इंसेक्टिसाइड थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए डालते हैं, जैसे कि रिजेंड एससी या फिर इमिडा क्लोरोपिड वगैरह जो भी है, तो वो थ्रिप्स कंट्रोल नहीं होता है। उसके लिए कुछ अलग से स्पेशली तरीके से उसको छिड़काव करना पड़ता है, तब जाके ब्लैक थ्रिप्स कंट्रोल होता है। तो आगे जाके आप लोगों को हम पांच दवा बताएंगे, और उस दवा को किस तरीके से छिड़काव करना है वो भी बताएंगे, और उस हिसाब से अगर छिड़काव करेंगे तो ब्लैक थ्रिप्स को 100% कंट्रोल कर देता है। तो चलिए जानते हैं कि ब्लैक थ्रिप्स एक्चुअली कब और किस तरीके से फसल पर प्रकोप करता है और किस तरीके से नुकसान पहुंचाता है। तो देखिए, ब्लैक थ्रिप्स सबसे ज्यादा मिर्च और शिमला मिर्च के फसल में ही देखने को मिलता है। तो ब्लैक थ्रिप्स नॉर्मली क्या होता है, जैसे हम लोग मिर्च का ट्रांसप्लांट कर देते हैं, तो ट्रांसप्लांट करने के बाद जैसे ही पौधा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, लगभग 25 से 30 दिन हो जाता है, उस समय ब्लैक थ्रिप्स का प्रकोप होना शुरू हो जाता है। उससे पहले बहुत ही कम देखने को मिलता है ब्लैक थ्रिप्स का प्रकोप। ब्लैक थ्रिप्स पत्ती की निचली सतह पर रहता है और कभी कभी फूल के ऊपर देखने को भी मिलता है, और वो क्या करता है, पत्ती का रस को चूसते रहता है, उसका वही काम है। और जब पत्ती का रस को चूसता है तो पत्ता जो है वो ऊपर की तरफ मुड़ जाता है, तो तब जाके हम लोगों को पता चलता है कि इसमें थ्रिप्स का प्रकोप होता है। लेकिन ये नहीं पता चलता है कि इसमें हमारा ब्लैक थ्रिप्स का प्रकोप हुआ है या फिर येलो थ्रिप्स का प्रकोप हुआ है या फिर व्हाइट थ्रिप्स का प्रकोप हुआ है, क्योंकि बहुत ही छोटा आकार का देखने को मिलता है, वो ज्यादातर खाली आंख में देखने को भी नहीं मिलता है, उसके लिए लेंस का जरूरत पड़ता है। और हाँ, ब्लैक थ्रिप्स पहले तो हमारे इधर इसका ज्यादा प्रकोप नहीं होता था, लेकिन आजकल कुछ ज्यादा ही इसका प्रकोप हो रहा है। सबसे पहले ब्लैक थ्रिप्स का प्रकोप साउथर्न स्टेट में देखा गया है, जैसे कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, ये सब स्टेट पर ज्यादा ब्लैक थ्रिप्स का प्रकोप होने लगता था। लेकिन आजकल हमारे इधर वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड में भी इसका प्रकोप ज्यादातर देखने को मिल रहा है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि ब्लैक थ्रिप्स को हम लोग किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, और कौन सा ऐसा पांच दवा है जिसको आप लोग छिड़काव करके उसको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले ब्लैक थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए नॉर्मली जो हम लोग इंसेक्टिसाइड डालते हैं वो उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना है कि मार्केट में जो नया नया टेक्नोलॉजी पर नया नया दवा आ रहा है उसको आप लोगों को छिड़काव करना है। तो सबसे पहले ब्लैक थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए पांच में से सबसे पहला जो दवा है वो होता है, नया दवा बिल्कुल नया है, जो कि सिंजेंटा कंपनी का सिमोडियस नाम के एक दवा आती है, जो कि कुछ दिन पहले हमने एक उसके लिए अलग से डिटेल्स में वीडियो बनाकर डाल रखे हैं, जाके आप लोग बाद में देख सकते हैं अगर आप लोगों को डिटेल्स में सिमोडियस इंसेक्टिसाइड के बारे में जानना है। तो सिमोडियस इंसेक्टिसाइड एक ऐसा इंसेक्टिसाइड है जो कि इसके अंदर जो केमिकल कंपोजिशन दिया गया है, जो कि आइसोसाइक्लोसेराम इसके अंदर कंपोजिशन है, वो एक ऐसा कंपोजिशन है कि किसी भी कंपनियों के पास इस कंपोजिशन का दवा अभी तक नहीं है, क्योंकि ये एक ग्रुप 30 का इंसेक्टिसाइड है, और ग्रुप 30 का इंसेक्टिसाइड बहुत सारा है, लेकिन ये जो कंपोजिशन है ये भी ग्रुप 30 का ही है, लेकिन इसका कोई अल्टरनेटिव प्रोडक्ट अभी तक मार्केट में नहीं आया है। तो सिंजेंटा का सिमोडियस को अगर आप लोग 10 से 15 ml प्रति 15 से 16 लीटर के टंकी में मिला करके छिड़काव करते हैं तो एक ही बार में ये ब्लैक थ्रिप्स को कंट्रोल कर देता है। लेकिन इसको अगर आप लोग रिपीट करना चाहते हैं तो कम से कम 15 से 20 दिन का अंतर आप लोगों को रखना है, तब जाके इसको रिपीट कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरा जो दवा रखे हैं ब्लैक थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए वो ही है सिंजेंटा कंपनी का नया दवा एक आया है मिनेक्टो एक्स्ट्रा नाम पे, जो कि ये भी एक नया दवा है, न्यू टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात जो है वो इसका जो प्राइस, क्योंकि पता है इसका जो प्राइस है वो बहुत ही सस्ता है, लगभग आपको 500 रुपए के अंदर या फिर ज्यादातर 550 लगेगा, और 20 ml का फाइल मिल जाएगा, और 20 ml में आपका 10 टंकी यानी कि 10 पंप बनेगा, क्योंकि इसका जो डोज है वो 2 ml 15 से 16 लीटर का पंप में है। आप लोगों को बता देते हैं
कि इसको छिड़काव करने पर ये भी ब्लैक थ्रिप्स को कंट्रोल कर देगा। उसके साथ साथ तीसरा जो दवा रखे हैं वो होता है ग्रासिया नाम का एक दवा, जो कि गोदरेज कंपनी का आता है, काफी अच्छा दवा है। ये भी ग्रुप 30 का एक इंसेक्टिसाइड है। तो इसके अंदर आप लोगों को फ्लुक्सेमेटामाइड टेक्निकल मिलता है, जो कि एक काफी अच्छा बढ़िया बात है। और ब्लैक थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए इसको भी आप लोग लगभग 15 ml से 20 ml तक ले सकते हैं और आप लोग छिड़काव कर सकते हैं, काफी शानदार ब्लैक थ्रिप्स को कंट्रोल कर देता है। अब दोस्तों चौथा जो दवा रखे हैं ब्लैक थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए वो है इंडोफिल कंपनी का इलेक्ट्रो नाम का दवा, और इसका अल्टरनेटिव मार्केट में और भी है, जैसे कि पी आई इंडस्ट्रीज का ब्रोफेनिया नाम पे। इसके अंदर आप लोगों को ब्रोफेनिलाइड 20% SC फॉर्मुलेशन में दिया गया है, और SC फॉर्मुलेशन के मतलब सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेट होता है, जो कि सफेद कलर का लिक्विड जो वो गाड़े पंप पे मिलता है। तो ये भी एक ग्रुप 30 का इंसेक्टिसाइड है, लेकिन इसके अंदर एक खास बात ये है कि अगर आप लोग इसको कोई भी इंसेक्ट के ऊपर छिड़काव करते हैं तो वो कीड़ा जो है वो हमारे शरीर में कौन सी दवा लग रहा है वो पहचान ही नहीं पाते, जिस वजह से काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। चाहे आप लोग 2 से 3 बार भी छिड़काव करते हैं तो भी इसका रिजल्ट काफ़ी शानदार मिलता है। तो इसका जो डोज रखना है आप लोगों को 4 ml प्रति 15 से 16 लीटर के पंप में, और अच्छी तरीके से घोल बनाकर छिड़काव करने पर काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट ब्लैक थ्रिप्स के ऊपर देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों पांचवा जो दवा रखे हैं ब्लैक थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए वो होता है टाटा रेलिस कंपनी का क्लेस्ट्रो नाम के दवा। जी हाँ, ये भी एक न्यू दवा है, लेकिन इसका जो डोज रखना है आप लोगों को 15 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि ये भी ब्लैक थ्रिप्स को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर देगा। तो ये जो दोस्तों हमने 5 दवा आप लोगों को बताया है, इसमें से आप लोग किसी को एक को ले सकते हैं ब्लैक थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए। तो इस वीडियो में ब्लैक थ्रिप्स के ऊपर इतना ही। अगर आप लोगों का फिर भी मन में कुछ सवाल है तो नीचे आप लोग कमेंट करके जरूर से बता सकते हैं। बाकी इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे वीडियो डालते रहते हैं।